एज पर डिमांड हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसके पात्र हैं और क्या क्या जो डिटेल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले, और मुख्य कंडीशंस क्या हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास जो मुख्य चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप ओबीसी एसटी एएससी के आते हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड जो होना चाहिए उससे आधार लिंक जो नंबर है वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसमें ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। आपके पास आपका निवास होना चाहिए, आपके पास आपका बैंक अकाउंट में खाता होना चाहिए और वो जो खाता है वो आपका जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उससे लिंक होना चाहिए, लिंक ही बैंक अकाउंट केवल आपका मान्य होगा। उसके बाद जो है आपको विशेष जो ध्यान देना है वो आपके पास सारे आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो होने चाहिए। उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए बैठे, आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए 20 KB तक का और आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए 20 KB तक का जो कि ऑलरेडी स्कैंड हो आपके पास, उसके बाद ही आप जो फॉर्म है उसको अप्लाई करने के लिए बैठे। तो जो अप्लीकेशन फॉर्म है स्कॉलरशिप का उसमें आपको विशेष ये भी ध्यान रखना है कि आप पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप जैसे ही उस लिंक पे जाएंगे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और स्कॉलरशिप में जिस भी लेवल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस लेवल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं। जैसे आपके पास जो ऑप्शन इसमें आएंगे, कोई भी बच्चा जो यूपी या यूपी के बाहर पढ़ रहा है उसके लिए इसमें चार ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक,
पॉलीटेक्निक, बीटीसी, बीएड, सभी बच्चे जो 12वीं के अलावा कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं उनको इसी सेक्शन से ही छात्र प्रापूर्ति धनराशि प्राप्त होती है। तो अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक के हैं, बीएड के हैं, बीटीसी के हैं, तो आप यहाँ पे जाके ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। जो आप डायरेक्ट लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, और दूसरा आप वहाँ पे ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन जो दिया होगा, दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रापूर्ति सत्र।
क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भर के अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एजुकेशन भी होगी, निजी जानकारी भी होगी, आप बैंक डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक डिटेल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है जहाँ छात्र छात्रा का खाता हो आपको वही बैंक सेलेक्ट करनी है जहाँ पे बच्चे का खाता है। दूसरा जो ये वाला ऑप्शन है आप इसे देख सकते हैं, छात्र छात्रा का बैंक खाता नंबर, आपको यहाँ पे उसका खाता नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ भी खाता नंबर सेलेक्ट करना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो भी बैंक है जिसमें आपका खाता है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब जो ये वाला ऑप्शन है जनपद, इसमें आप जनपद सेलेक्ट करेंगे, किस जनपद में बैंक है, ब्रांच का नाम, जो ब्रांच का नाम है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आईएफएससी कोड आपको उसका देना होगा। तो आपको आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, किस जनपद में बैंक है, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिट करनी होगी। ये डिटेल फिट करने के बाद तो छात्र छात्रा का जो नाम है वो आपको यहाँ पे कितना होगा साथ में कॉलम में, तो आप देख सकते हैं ये जो नाम है ये आपका जो प्रॉपर है 10वीं की मार्कशीट आधार कार्ड में इसे मैच होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रमाण पत्र पे आप इस पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और फिर उसके बाद आप इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डिटेल है ये अपडेट हो जाएगा। तो आपके पास आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पर टिक आ गया, एजुकेशन पे आ गया, निजी जानकारी पे आ गया, बैंक पे आ गया। अब आपको शुल्क संबंधी डिटेल डालनी होगी, तो शुल्क संबंधी जो डिटेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अनुमोदित वर्ष, नॉन रिफंडेबल, अनिवार्य शुल्क। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, जो आप कॉलेज में फीस जमा करते हैं तो वो उसमें आपकी होती है कॉशन मनी और नॉन रिफंडेबल फीस। तो आप जो नॉन, जैसे आईटीआई का हम केस ले रहे हैं तो उसमें 300 रुपये जो होती है फीस होती है ये होती है आपकी नॉन रिफंडेबल फीस, जो 300 रुपये है ये होती है आपकी कॉशन मनी, ये आप पॉलिसी से पास आउट होकर निकल जाते हैं तो आपको वापस से मिल जाती है। और ये जो 480 रुपये होती है ये आपकी जो है ये फीस है आपकी नॉन रिफंडेबल। तो अगर आप ओबीसी एससी जनरल में आते हैं, ओबीसी और जनरल में आते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 480 होगी, और अगर आप इसमें एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं तो आपकी जीरो फीस होगी, तो आप इसमें जीरो फीस लिखेंगे। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद आप इसमें कैप्चा कोड डालेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी अपडेट हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे, आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सारे ऑप्शन अलाउ हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एजुकेशन, निजी जानकारी, बैंक डिटेल, शुल्क संबंधी और गत वर्ष। अभी आपको प्रेजेंट वर्ष, जो पिछला वर्ष निकल गया उसकी डिटेल डालनी है, कौन सी एजुकेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, गत वर्ष का परीक्षाफल आप पास है उसी केस में ही आप इसको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर पास नहीं है फेल है तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इस पर विशेष ध्यान रखें, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या थी वो आपको इसमें डालनी है, गत वर्ष की अंक प्रणाली वो आपको इसमें डालनी है, उसके बाद आपको संस्थान द्वारा अंकित पूर्णांक कितने का पूर्णांक था, प्राप्तांक कितना था गत वर्ष का पूर्णांक, ये डालना है इसमें, गत वर्ष का प्रतिशत कितना था, शिक्षण संस्थान का नाम क्या था, और यहाँ पे आपको इसका कैप्चा कोड डालना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि सारी डिटेल्स आपको भरनी है, उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आप जैसे ही इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अपडेट पे और आपका फॉर्म जो है वो नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट हो जाएगा। अब आपका ये पेज आ गया, आप इसमें देख सकते हैं आपके पास सारी डिटेल्स आ रही है इसमें, तो आप इसको एक बार देख लें। इसमें लिखा हुआ है नवीन फ्रेश आवेदन के लिए अदर देन इंटर, अब आप देख सकते हैं इसमें पहला लिखा हुआ है आपके आवेदन पत्र की पिछली सफलतापूर्वक भर ली गई, आपका हो चुका है आवेदन, आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपडेट करें, फोटो आपको अपडेट करनी है, बिन फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप आपको जाना होगा फोटो पे क्लिक करने के लिए। तो आपके पास जो ये स्टेटस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन था ये यस टिक हो चुका है, ये इसलिए प्रिंट करने वाला भी हो चुका है, छात्र हेतु आवेदन पत्र भी आप भर चुके हैं। आप फोटो वाला जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया है, इसके नीचे लाइन खींची आ रही है, तो आपके पास ये जो ऑप्शन आ गया। अब आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो लंबा होता जा रहा है लेकिन आप एक भी पॉइंट मिस ना करें वरना आप स्कॉलरशिप का फॉर्म सही ढंग से भर नहीं पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करके देखें। अब इसके बाद आपको जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो अपलोड करनी होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने जो फॉर्म खुल के आ गया, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फोटो अपलोड करने का इसमें ऑप्शन आ जाएगा, तो आप फोटो अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सफल रहा है, तो आप जो वेरिफिकेशन है ये सही रहा है। उसके बाद आपको इसमें अपनी जाति प्रमाण पत्र की जो डिटेल है आप देखते हैं जाति प्रमाण पत्र की डिटेल डालने के लिए आ गया है, आप जाति प्रमाण पत्र की डिटेल डालेंगे, जाति प्रमाण पत्र में डिटेल डालने के बाद आप उसको वेरीफाई कर लेंगे और आप नेक्स्ट में डायरेक्ट जाएंगे, तो अब आपका जो होगा आधार वेरीफिकेशन का प्रोसेस होगा। तो आप जैसे आधार वेरीफिकेशन पे जाएंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं आपके पास ये फॉर्म खुल के आ चुका है। आपको इसमें तीसरा और चौथा कॉलम है, तीसरा इसमें दोनों आधार नंबर डालना है और उसके बाद इस नंबर को चेक करना है, फिर कैसे डालना है, फिर वेरीफाई आधार कार्ड करना है। अगर आपकी सारी डिटेल, नाम, जन्मतिथि, पिताजी का नाम, ये सारा कुछ आधार कार्ड से मैच कर रहा है, उसी के आधार कार्ड वेरीफाई होगा। अगर आपकी डिटेल मैच नहीं करी तो आधार कार्ड आपको वेरीफाई नहीं होगा, तो आप इसको अप्लाई करने से पहले आधार कार्ड को सही करा लेंगे, पूरी सिस्टम। तो आप जैसे ही देखेंगे आप आधार कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई होगी, आधार डेमोग्राफिक वेरीफिकेशन सारा डिटेल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आधार वेरीफिकेशन करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट जाएंगे, तो आपको यहाँ पे आधार ओटीपी वेरीफिकेशन करना होगा। तो आपके पास ये पेज खुल के आ गया है, अब आप यहाँ पे रिसेंट ओटीपी क्लिक करेंगे तो ओटीपी नहीं आया और आपके पास ओटीपी आ जाएगा, आप इसको ओटीपी डालेंगे और आप इसको ओटीपी डालेंगे। अब इन केस अगर आपका आधार नंबर में
ओटीपी नहीं आ रहा, आपको नहीं पता है कौन सा आधार नंबर आपका पड़ा, आधार नंबर आपका कौन सा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको अपडेट आधार कार्ड की वेबसाइट पे, उद्यम आधार की वेबसाइट, अपडेट आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाना होगा। और उस पे जाने के बाद आपको चेंज मोबाइल नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो ओटीपी आएगा उसमें आपके मोबाइल की डिजिट शो हो जाएंगी, और अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप पहले ही जाके उसको अपडेट करा लें, क्योंकि बिना आधार ओटीपी अपडेशन वेरिफिकेशन के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अपने केस में आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे सही का निशान बन के आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंटआउट लेना होगा, और प्रिंटआउट लेने के बाद संबंधित कॉलेज में जाके आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना होगा, अपना फॉर्म दिखाना होगा, आपको सारा चेक कराना होगा कि किसी प्रकार की इसमें त्रुटि तो नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप इसको आवेदन पत्र को फिर से आप इसमें जो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन है आपके पास, आवेदन पत्र को संशोधन करें, आप संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन करने के बाद ही आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आप पहले कॉलेज में जाएं, और कॉलेज में जाने के बाद अगर आपका फॉर्म सही निकलता है तो आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसीलिए हम इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप कॉलेज से जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक करा के आएंगे कि सारी डिटेल्स आपने भरी हैं सही हैं, तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे अगले दिन ही। तो आप पहले इस वीडियो से फॉर्म भर लें, फिर अगले स्टेप पर जाएँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। और आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल और लिंक्डइन पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और किसी प्रकार की आपको डिटेल चाहिए तो आपको वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।